तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो इस वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे, मतलब मैंने एक अपने कैमरे के लिए माउंट मंगाया है जो आजकल वो फेमस हो रहा है मार्केट में, और ये एक्शन प्रो का है ये। और ये इसमें सिंपल क्या है कि तुम्हारा रबड़ से और ये तुम्हारे हेलमेट पे माउंट हो जाता है सीधे, क्योंकि तुम्हें इसकी एक क्लिप डाल दूंगा मैं। मैंने पहले इसमें फिक्स माउंट लगाया हुआ था एक नेशनल एनआर का, तो वो निकल गया था। मैंने एमसील वगैरह सब लगाया हुआ था बट वो निकल गया था फिर भी, तो उसका भी एक क्लिप लगा दूंगा मैं इसके बाद में। और इसको माउंट करने की प्रोसेस देखते हैं कैसे कैसे माउंट किया जाता है। और इसकी कॉस्ट है अराउंड 500, तो आपको ये अलग अलग मतलब अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे तो अलग अलग रेट चलते हैं। तो मैंने इसे अमेज़ॉन पे लिया है तो ये 499 का मुझे पड़ा है, और फ्लिपकार्ट पे इसका रेट 459 मतलब 569 के आसपास दिखा रहा था, मतलब इतने चलता है 570-560, मतलब 500-600 के बीच में आपको मिल जाएगा ये। तो इसकी देखते हैं माउंटिंग प्रोसेस कैसी है। तो अभी एक और प्रॉब्लम हो गई, मेरा जो एक्शन एम का माउंट था देख सकते हो ये पूरा साइड से निकल गया, बहुत पुराना माउंट हो रखा है वैसे भी। फोकस नहीं, ये माउंट इसका निकल गया है, बहुत हल्का सा रुका हुआ है, तो मैं इसमें रिस्क नहीं ले सकता कि भाई कभी कैमरा ये कभी गिर जाए। तो देखता हूँ कैसे दिखाऊंगा, लेकिन कोई नहीं, ये पूरा अलग हो गया देखो। पूरा इसका ये डबल टेप भी ख़राब हो गया, मैंने ये पेंसिल लगाई थी ये भी सब टूट गई, टूट गया। चलो कोई नहीं, देखते कैसे होगा। तो ये हमारा इस तरह से पैकेट में आता है, तो इसको खोलेंगे तो ये इसके अंदर एक तरह से स्पेशल चीज़ जे माउंट आता है, क्योंकि ये मोटो ब्लॉगिंग के बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और यह हमारा मेन माउंट, इसके अंदर क्या है कि आपको इस तरह से सेट करना है, और इसका ये दो हुक मतलब ये इसमें जी टाई करने के लिए दिया हुआ है, तो इसको आप इधर से लग करके और नीचे से आपके हेलमेट में जाएगा और ये इस तरह से यहाँ पे माउंट हो जाएगा। तो इसका देखते हैं माउंटिंग कैसे होते है, स्टेबल है कैसा है, इसे सब टेस्टिंग करते हैं आज। और ये जे माउंट है मेन मोस्ट यूज़फुल है इसके अंदर, जो सबसे अच्छी चीज़ मिलती है मतलब इसके अंदर, तो इसको इस तरह से सिंपल हमें लगा देना है, यहाँ पर कैमरा लग जाएगा, तो इस तरह से ये हेलमेट के आगे आप पे लग जाएगा। तो ये हमारा कैमरा इस तरह से इस पर लग जाएगा। तो अभी हम इसको माउंट करते हैं, तो हमें मेन ये नीचे से ये स्ट्रिप एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, तो इसमें ये ऊपर लॉक दिया हुआ है, ये लॉक है, तो हमें सिंपल ये इस तरह से इसमें लगाना है और अपने अकॉर्डिंगली जहाँ भी ये सेट करना है उसको लॉक कर देना है फिर उधर से। तो नॉर्मल लॉक करने पर कोई ऐसा लगेगा, बट ये अभी थोड़ा सा मुझे ऐसे ही लग रहा है, लूज़ है। तो इसका हम क्या करेंगे सॉल्यूशन की, इसमें जो लॉक दिया हुआ है इसको हम डबल ट्राई करने का ट्राई करूँगा, एक बार देखते हैं डबल ट्राई हो जाएगा ये नहीं होएगा। तो इस तरह से अंदर से कुछ इस तरह दिखेगा, कैमरे में पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन ये है इसका अंदर का सिस्टम। तो हमने इसको लॉक को खोला, तो इसको मैं डबल करके इसके अंदर डालूँगा, थोड़ा स्पेस कम है, वो डबल इसमें जा नहीं रहा इतना चाहिए, और डबल लॉक अगर लग गया ये तो ज़्यादा थोड़ा स्टेबल होगा और लॉक भी इसका अच्छे से काम करेगा। तो इस तरह से डबल आ गया, मैं इसको यहाँ पे लॉक कर दूँगा। तो हाँ, ये पहले थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉक लग रहा है मुझे, ऐसे दूसरी तरफ भी करते हैं, इसको भी डबल करके हम वापस। नॉर्मली डबल माउंट करके फिक्स कर दिया मैंने इसको यहाँ पे, अभी पहले से थोड़ा ज़्यादा इसका थोड़ा एंगल चेंज शिफ्ट हो गया, अभी देखते हैं इसको कैसे करना है। तो लॉक तो इसका बड़ा लग गया है,
इससे क्या फ़ायदा होता है कि मतलब आपको कोई एक फ़िक्स हेलमेट नहीं बनाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि तो पहले क्या होता है फिक्स माउंट लग जाता है, तो फिर आपको यही हेलमेट एक मोटर ब्लॉगिंग का हो जाएगा। तो फिर क्या है कि आप उस हेलमेट को बिना माउंट के यूज़ नहीं कर सकते, तो एम सील वगैरह से फ़िक्स करना पड़ता है। तो एम सील का एक बार लॉक लग गया तो फिर वो उतरना मुश्किल ही होता है और हेलमेट का लुक भी ख़राब कर देता है। तो ये है इसका मेन अभी लुक, इस तरह से आ रहा है, पूरे सेंटर में आ गया ये, वो बहुत ही फिक्स है। तो इसके बैक कैमरा माउंट करते हैं और देखते हैं कैसा आता है इसमें ब्लॉग और स्टेबिलिटी। इसकी मेन तो स्टेबिलिटी देख रही है, डिजे लुक इसमें जो है थोड़ा सा मतलब ऐसा ही है, हल्की क्वालिटी का है, तो थोड़ा सा ज़रा हल्का यूज़ करना है इसको, ज़्यादा इसके साथ ज़बरदस्ती की तो टूट जाएगा। तो इस पर कैमरा माउंट करते हैं, करते हैं उनको। तो ये हमारा कैमरा, तो इस तरह से अपनी वाटरप्रूफ केसिंग में आता ही है कैमरा, ये नॉर्मल कैमरा हमने इसमें डाला, उसे लॉक कर दिया। तो क्या है, इसको हमने सिर्फ इसको माउंट को खोलना है और अपने कैमरे को इसके एंगल पे जैसे भी हमें चाहिए तो एंगल सेट करके इसको टाइट कर देना है। पता नहीं इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, तो करता हूँ ट्राई कैसे लगेगा। ये जे माउंट पे निकाल लेंगे, जे माउंट पे तो हमने मेन लगाना है, तो उसकी जे माउंट पे ही हम इसे सेट करते हैं। ये लग गया मेन, फाइनली इसको टाइट कर देना है बस, जो भी आपको एंगल चाहिए। भैया ये तो बहुत ही हल्की क्वालिटी का है, फिर पता नहीं इसमें रुकेगा भी नहीं, क्योंकि ये इसका ये लूज़ हो गया नीचे वाला जो मेन माउंट है ना इसका, ये इसकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और इसके बिना तो ये पूरे सेटअप पे कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से आपका कैमरा कुछ लगेगा ये, फिर इसको अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे आपको सेट करके इसे टाइट कर देना। तो टेस्ट करते हैं इसका कैसी स्टेबिलिटी आती है, बट माउंट पर मुझे इतना भरोसा नहीं है क्योंकि बहुत ही हल्की क्वालिटी का है। देखो थोड़ा हल्का पुश करूँगा मैं इसको तो निकल जा रहा है ये, अभी सेट तो कर दिया मैंने इसे। चलो देखते हैं फिर मिलते हैं एक्शन गेम की फुटेज पर। तो मैंने इसे माउंट कर दिया है, अब देखते हैं फुटेज कैसी आ रही है, और रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन चेक करने के लिए सिंपल से मेरा रेड लाइट जल रही होती है तो वो देख रही होती है। तो अब करते हैं स्टार्ट, एंगल का कोई आइडिया नहीं, एंगल कैसा आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, ठीक ही आ रहा होगा, क्योंकि जब मैंने उसके अपने नॉर्मल कैमरे के अकॉर्डिंग सेट किया, नॉर्मल माउंट जो होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग सेट किया हुआ, देखते हैं। स्टेबिलिटी तो मतलब चेक हो गई, नॉर्मल कैमरा तो मतलब ठीक है, उसके ऊपर कैमरा तो नहीं निकल रहा, निकलना भी नहीं चाहिए, निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मेरा मोबाइल पे एक बार जो रबर टाई है वो इस पर लगा देता हूँ, वरना मोबाइल का ही निकलने का चांस लग रहा है मुझे। तो इससे क्या हुआ, हमारा माउंट से कैमरा मोबाइल निकलता भी है, ये रबर्स की वजह से थोड़ा सा बना रहेगा, इससे रुक जाएगा सब अगर माउंट लूज होता भी है हमारा। तो स्टार्ट ही करना भूल गया यार, स्टार्ट कहाँ से होता है, बहुत ही ज़्यादा मेन इससे थोड़ा सा। और आज मैं ऑडियो भी इसके ओरिजिनल माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो इसका मतलब कैमरे का इनबिल्ट माइक है,
एकदम जो है एंगल का ना, एंगल का आइडिया नहीं हो रहा, एंगल इसका बहुत ज़्यादा नीचे लग रहा है मुझे, पता नहीं फुटेज में किस तरह से आ रहा होगा। तो एक मेन इस कैमरे का एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हमारा नॉर्मल एंगल, जो अभी तक तुम्हें वीडियो में दिखा होगा, मैंने भी इसको टेस्ट किया है, मतलब कैमरे इसमें इसको कनेक्ट करके अपने इससे फ़ोन से, तो इसमें ये है कि हमें इतना एंगल आना चाहिए कैमरे का नॉर्मली, क्योंकि फुटेज में हमें इतना ही दिखाना है। तो ये नॉर्मल जे माउंट आपका यहाँ पे रिकॉर्ड करता है, तो नॉर्मल जे माउंट से तो काम नहीं चलने वाला, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा माउंट लगाने पड़ेंगे। और ठीक है, मतलब अब कैसे कर सकते हैं, 500 रुपये में वो क्या चाहिए। ठीक है फिर, तो ये था हमारा इसका रिव्यू, और वैसे बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आई थी, तो अब ज़रा देखते हैं कैसे कैसे करना है। इस महीने थोड़ा सोच रहा हूँ कि इस महीने थोड़ी ज़्यादा वीडियो डाली जाएँ, तो ठीक है फिर, इतना ही था इसका रिस्पॉन्स। मतलब आपको सिर्फ जे माउंट के भरोसे का आपका कैमरा नहीं खुलेगा, आपको इसमें 2-3 एक्सटेंशन लगानी पड़ेंगी, मतलब नॉर्मली इतना ऊपर तो आपको करना ही पड़ेगा इसे, है ना, इतने ऊपर से मैं आपको पूरा डैशबोर्ड दिखना चाहिए ना बाइक का, ब्लॉगिंग का भी दिखना चाहिए पूरा, तो वो दोनों चीज़ दिखेंगी। ठीक है फिर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।